18 साल तक प्रदेश की सेवा करने के बाद अब मामा शिवराज नजर आ रहे बड़ी भूमिका में। वीडियो देख हर किसी के होश उड़े। उधर मोहन यादव ने शपथ लिया, इधर मामा शिवराज चल पड़े ऐसा करने, जिसे देखकर मोदी शाह भी रह गए दंग। मामा का दिखा नया अवतार। धरती पुत्र शिवराज की वीडियो देख आप भी कहेंगे कि यूं ही नहीं मामा हर प्रदेशवासी के दिल में बसते हैं। आखिर क्या कर रहे हैं पूर्व सीएम जी? 18 साल बाद मध्य प्रदेश की सेवा करने के बाद मामा शिवराज ने अब विदाई ले ली है। मामा की इस विदाई पर पूरा प्रदेश रो रहा है। हर कोई मामा की नई पारी को देखने की टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर अब राज्य की सेवा करने के बाद मामा आखिर क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। प्रदेश से लेकर देश भर की नजरें मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता पर है। खबरों में ये बात भी चल रही है कि मध्य प्रदेश के बाद अब मामा केंद्र में बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसी वजह से मोदी और शाह ने 18 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता से उनकी विदाई की है और उनकी जगह पर मोहन यादव को नया सीएम बनाया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के हर एक जनता के दिल में परिवार की तरह बसे मामा शिवराज क्या कुछ नया करने वाले हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मामा ने राजनीति की पारी से हटकर अब कुछ अलग करने का फैसला किया है और अब उनकी कई वीडियो और फोटो सामने आ रही है, जिसे देखकर मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश मामा का जबरा फैन हो गया है। मोदी शाह नड्डा के साथ पूरा बीजेपी आलाकमान भी मामा की सादगी पर ताली बजा रहा है। फिलहाल मोदी आने वाले समय में जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव में मामा को मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है या फिर किसी सीट से चुनाव जिताकर उन्हें आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये तो खैर बात की बात है, लेकिन अभी मामा शिवराज धरती पुत्र की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बताते चले कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान परिवार से आते हैं। मंच पर उन्होंने खुद कई बार किसान का बेटा कहकर खुद को संबोधित किया है। मामा जब मुख्यमंत्री थे तब भी चर्चा में थे और अब बिना पद के भी वो चर्चा में है। अपनी लाडली बहन योजना से बहन बेटियों के बीच मामा ग्राउंड से जुड़कर काफी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। जमीनी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले मामा शिवराज अब खेत में खुद से ट्रैक्टर चलाकर खेती कर रहे हैं। बता दें कि इस बीच मामा शिवराज सिंह चौहान की एक खेत से वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो चने के खेत में जुताई करते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि मामा शिवराज अपने विदिशा के खेत में पहुंचे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिवराज खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं। इसके साथ किसानों से भी मुलाकात करते हुए फसल के बारे में वो पूछ रहे हैं, दाम कितना मिला, ऐसे बहुत सारे सवाल उन्होंने किए। वहीं शिवराज ने किसानों के साथ हुई इस मुलाकात और ट्रैक्टर चलाने को लेकर अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि अपने मध्य प्रदेश की माटी सोना उगलती है, धरती माँ धन धान से घरों को खुशहाल बना देती है, पसीनों की कुछ बूंदों से माटी को नमन किया, आज खेतों की जुताई कर चने की बुआई की। मामा शिवराज की इस वीडियो को देखकर हर कोई कह रहा है कि नेता हो तो मामा जैसा। बताते चले कि मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान की जगह मध्य प्रदेश का नया सीएम बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल अभी किसी बड़ी भूमिका में नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सबसे अनुभवी और सबसे खास नेता अपनी राजनीति पारी में क्या कुछ और किस तरह की बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मामा अब दिल्ली कब बुलाए जाएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दिसंबर अंत तक सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी और सभी प्रदेश में बड़े बड़े दिग्गजों को इसकी कमान मिलना तय है, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका निभाते मामा शिवराज नजर आ सकते हैं। तो मामा की इस सादगी और उनके आने वाली नई पारी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।